मध्य प्रदेश के रीवा में हिंदू क्षत्रिय वाहिनी संगठन की महिला ने आगे आकर की मिसाल पेश। विवेकानंद पार्क में एकत्रित होकर मीडिया को दी जानकारी। साक्षी तिवारी, जो अमहिया में अपनी छोटी लड़की के साथ रहती है, एक सप्ताह पूर्व पता चला कि उनकी छोटी सी लड़की 9 साल की है, जिसके दिल में 2 छेद हैं, जिसके इलाज करवाने के लिए साक्षी तिवारी के पास पैसे नहीं थे। लेकिन जब साक्षी ने हिंदू क्षत्रिय वाहिनी महिला संगठन से मदद मांगी तो हिंदू क्षत्रिय वाहिनी महिला संगठन पूरे जोर के साथ आगे आए। वहीं हिंदू क्षत्रिय महिला संगठन द्वारा बताया गया कि हम और जितनी मदद हो सकती है अपने संगठन की तरफ से इनकी मदद करेंगे। आइए दिखाते हैं रोहित पाटिल की इस खास रिपोर्ट में। क्या नाम है आपका? जी, मैं कवित्री रागनी सिंह परिहार, हिंदू क्षत्रिय वाहिनी की मैं उपाध्यक्ष हूँ। जी, आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं जी साक्षी तिवारी जी के लिए, जी तो उसमें आपका क्या कहना है? जी, हमारा कहना ये है कि जैसे इस समय हमारे देश में ये कोरोना काल चल रहा है, इस महामारी से सब लोग जूझ रहे हैं और सबका कर्तव्य बनता है कि हम सब मिलके किसी का हेल्प कर सकें, किसी की मदद कर सकें। और हम लोग सब, मेरा पूरा संगठन जो है, तो यही मेन उद्देश्य है कि कोई भी हो आर्थिक रूप से उसकी सहायता करें। और साक्षी जी के लिए हम सब लोग अग्रसर सामने खड़े हुए हैं और आगे भी यही करेंगे। संगठन का मेन उद्देश्य यही है कि, और यही हमारी ईश्वर से, भगवती से। कहाँ से आई हैं? सर, अमहिया से। क्या प्रॉब्लम हो गई है? बच्ची को, 9 साल की बेटी, उसके हार्ट में होल है 2, उसी का इलाज करवाना है नागपुर में। तो जैसा कि मैडम के द्वारा बताया गया कि आपकी सहायता की जा रही है, तो किस प्रकार से और कैसे सहायता की जा रही है? सर, हर तरीके से की जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा सिंह है। आप लोग ये जो आज साक्षी तिवारी जी के लिए इकट्ठा हुए हैं जी, तो इसमें आपका क्या कहना है? हम लोग इनकी सब इकट्ठा होकर की मदद कर रहे हैं और आगे भी जो भी है हम लोगों से बनेगा, जो हॉस्पिटल वगैरह जो भी खर्चा आएगा, हम लोग जितना होगा उतना मदद करेंगे। और कोई है? मैं नेहा सिंह चंदेल, हिंदू क्षत्रिय वाहिनी नगर अध्यक्ष। आज बहुत दुखद एक घटना हुई, जो जानकारी मिली हमारे समाज की और हमारे पदाधिकारी संजुला सिंह जी, उनके भाई कर्नल मुकेश सिंह चौहान जी का देहांत हो गया एक्सीडेंट में। उसके लिए हिंदू क्षत्रिय वाहिनी शोक व्यक्त करता है और उनके परिवार को ये दुख सहन करने की हिम्मत प्रदान कर। क्या नाम है आपका? रीना सिंह गहरवार। आप लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं साक्षी तिवारी जी की मदद के लिए, इसमें आपका क्या कहना है? हमारा जो सबसे, इनकी सहायता हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य है और जो हमारे संगठन का उद्देश्य है कि हर उस वर्ग की, हर जरूरतमंद की हम जितनी कर सकते हैं, आर्थिक, मानसिक, जैसे सहायता कर सकते हैं हम वैसे सहायता करेंगे। और एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग इस संगठन का हिस्सा बने, हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद इस संगठन से जुड़ने के बाद हमें ये समझ में आया कि हाँ, लोगों की मदद हम किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर ये होता है कि हमें किसी की मदद करनी चाहिए, ये एक कॉमन ह्यूमन नेचर है। तो लेकिन एक प्लेटफॉर्म भी तो मिलना चाहिए कि दूसरों की हेल्प हम किस तरीके से कर सकते हैं। इस संगठन से जुड़ने के बाद एक तो हमें प्लेटफॉर्म मिला और उसके बाद इनकी सहायता करके भी हम लोग को बहुत अच्छा लगा और आगे भी हम करते रहेंगे, चूँकि ये हमारे संगठन का उद्देश्य है और उद्देश्य पूर्ति के लिए हम लोग नित प्रयासरत रहेंगे। क्या मामला लेके आज आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं? भाई साहब, मैं सुधा सिंह बघेल, छत्राणी संगठन हिंदू क्षत्रिय वाहिनी। आज ये साक्षी तिवारी जी हैं, इनकी छोटी सी बच्ची है, 9 साल की है और उनके हार्ट में प्रॉब्लम है और इन्होंने अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर की और हमारा संगठन जो है तुरंत इनके सहयोग के लिए आगे आया, जितना भी हो सका कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। इसलिए हम साक्षी जी से इनको आश्वस्त दिलाते हैं, इनसे ये कहते हैं कि आप निराश मत होइएगा, जो भी दिक्कत आएगी, कभी भी, कैसी भी, हम लोगों से बताते रहिए, हम लोग निरंतर आपका प्रयास पूरा करेंगे। और एक बात, ये जो मेन है हिंदू क्षत्रिय वाहिनी संगठन,
कहते हैं कि ये छत्री संगठन है, छत्राणी संगठन है, ऐसा कुछ नहीं कि हम एक समाज के लिए कर रहे हैं, संगठित हो रहे हैं। जब हम सब संगठित होंगे तब हम दूसरे का भी कर पाएंगे। जैसे साक्षी तिवारी जी हैं और कोई भी अन्य आएगा हमारे सामने, उनकी मदद के लिए हमेशा ये संगठन तैयार मिलेगा। इसका उद्देश्य यही है, सबका सहायता करे, सब वर्गों को लेके चले। और जो हमारे भाई लोग अपने मन में ये बिठा के रखे हैं कि ये संगठन ऐसा है कि सिर्फ अपने लिए करता है, तो ये नहीं, क्षत्रिय क्षत्रिय संगठन ऐसा है कि उसके छत्र तरे हर समाज समाहित होता है और वो हमेशा हेल्प के लिए आगे आता है। और यही आशा करते हैं कि जितना भी हमसे हो सकेगा हम आगे भी करेंगे। और ये हमारी साथ नाम बता दीजिए। सुधा सिंह बघेल, राष्ट्रीय महिला प्रभारी, हिंदू क्षत्रिय वाहिनी।